कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के परिणाम सामने आने के बाद पीसीसी में हलचल है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खड़गे को जीत की बधाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतगणना पूरी हो चुकी है और रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं और उसके बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का माहौल बदला है। यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही एक दूसरे को। चंद्र प्रभात शेखर हमारे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। सर, माहौल आप खाइए मिठाई, माहौल बदला है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का बदलाव देखते हैं? बदलाव नहीं, देखिए जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में चुनाव होंगे, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, दो लोग चुनाव लड़े, श्री खड़गे साहब विजय हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और माननीय कमलनाथ जी ने खड़गे साहब को बहुत बधाई दी है। हम सब प्रदेश के लोग खुशी हैं, कांग्रेस जन, हमारा पूरा विश्वास है कि खड़गे साहब के निर्देशन पे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगले चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने लगभग 22 साल बाद एक बार फिर से लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी को दिया जो उसके लिए काबिल थे, तो बीजेपी कई बार आरोप लगा रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से उपयोग। भाई उन्होंने तो अगला बिना चुनाव हुए अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया, उन्होंने फिर से कहा कि नड्डा जी फिर से रहेंगे, तो वहाँ तो चुनाव होते ही नहीं, वहाँ तो आरएसएस या जो प्रधानमंत्री चाहते हैं उसको अध्यक्ष बना देते हैं। कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने अपना वायदा पूरा किया है और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल निर्विरोध रूप से कराया है। सिंह जी भी हमारे साथ में, कांग्रेस के महासचिव हैं। सर, आप कैसे देखते हैं, कितना बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेगा, एक नया चेहरा, नए तरीके से काम करने का पूरा मसला? देखिए, कांग्रेस की नीति और रीति हमेशा से एक रही है, नेतृत्व परिवर्तन जरूर हुआ है लेकिन जो दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने तय किया था कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी उस राह पे चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस के सभी अध्यक्षों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो आगे उनके रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश जैन साहब भी हैं, आप क्या मानते हैं, कितना मजबूती कांग्रेस को मिलेगी नए संगठन के, जो जिस तरीके का अनुभव उनका है? देखिए, संगठन अनुभव से निश्चित रूप से सुफल प्राप्त होते हैं और खड़गे जी का 50 साल से ज्यादा का अनुभव है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस सब के बाद भी कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों और नीतियों से कभी समझौता नहीं करती, तो खड़गे साहब उन नीतियों और सिद्धांतों की बुनियाद पर इस देश में निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में मील का पत्थर साबित हो। देखिए, एक पूरे संगठन का ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से कांग्रेस पदाधिकारियों की बात करें तो कांग्रेस पदाधिकारी भी यही मानते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, उसके बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं नई तरुणाई देखने को मिलेगी, तो नए तरीके से काम करने का जो एक मजबूती जो है कांग्रेस को मिलेगी, साथ ही साथ नए तरीके से काम भी कांग्रेस करेगी तो उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को ही मिलेगा और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।